लिया, लेकिन अज्ञानी यश के लिए तड़पता है, ज्ञानी के लिए वो वेट है। अज्ञानी जिस यश के लिए, मान के लिए, पुष्प मालाओं के लिए, यश गान के लिए, पैर छुआने के लिए छटपटाता मरता रहता है, ज्ञानी के लिए वो तो वेट है। लेकिन ज्ञानी के सुकृत ऐसे हैं कि उसके पास यश आदर खींच कर आ जाता है, फिर भी ज्ञानी को ऐसा नहीं कि कल 5,000-10,000 आदमी ने आदर दिया तो आज 2,000 आदमी क्यों, मेरे 8,000 प्रणाम करने वाले कम हो गए, ऐसा ज्ञानी को नहीं होता। 8,000 तो क्या, सारे के सारे लोग जो आदर करते वो अनादर भी करने लग जाए तो ज्ञानी के चित्त में शोभ नहीं होता, ऐसा उसको स्वच्छंद मिला है, ऐसा वो जीवन मुक्त महात्मा है। निर्वासनो निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंधना, स्व का अपने आप का रस मिल गया है और इस रस में कोई बाधा नहीं है। ये रस सबके पास है, उतने का उतना है, लेकिन अज्ञान के कारण वासनाओं को पोषते पोषते उस रस के सागर पर जैसे सरोवर पर लील जमती जाए तो सरोवर होते हुए नहीं दिखता, ऐसे आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, आत्मदेव का सरोवर होते हुए वासनाओं के पटल चढ़ते गए, जैसे लोहे पर काट चढ़ता जाए अथवा अंगारे पर राख चढ़ती जाए तो अंगारा होते हुए भी राख दिख रहा है, ऐसे आत्मानंद सबके पीछे भीतर होते हुए भी दुखी संसारी आदमी हो रहे हैं, दिवेल पिधा जेवु जीवन देखाए छे, ए राख चढ़ी गई छे, साधन भजन सत्संग करके वो राख फूंकी जाती है, अंगारा की चमक आ जाती है, बेड़ा पार हो जाता है। यहां कहते निर्वास्तु निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंधना, कोई वासना नहीं रही। प्रारंभ में अच्छा करने की वासना होती है, बुरा से बचने की वासना होती है सज्जनों की, और उस वक्त अगर सतर्क न रहे तो अपने दोषों को पोषण दे देगा तो सद्गुण नहीं बढ़ेंगे, सद्गुण नहीं बढ़ेंगे तो सत्य में प्रीति नहीं होगी। प्रारंभ में अच्छे को बढ़ाता जाए ताकि जन्मों के पुराने संस्कार जो हैं, वासनाएं हैं, हल्की वासनाएं, उसको कम होने का मौका मिले। जितनी अच्छाई बढ़ती जाती है उतनी हल्काई करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, तो कई बार हल्के विचार, हल्की इच्छाएं, हल्की वासनाएं उठती है, उस समय अच्छे विचार, अच्छी इच्छा, अच्छी वासना करना उचित है। लेकिन जिसने तत्व ज्ञान पाकर, गुरु की शरण पाकर अपने स्व का छंद पा लिया, उसके लिए हल्की वासना और अच्छी वासना दोनों वासना उसके लिए त्याज्य हो जाती है, यहां तक कि उसे भगवान का अवलंबन भी नहीं लेना पड़ता है। कई लोग भगवान का, मंदिर का, देवी देवता का अवलंबन लेते हैं, लेकिन वो अवलंबन क्यों लेते हैं? अपनी वासना पूरी करने के लिए। मंदिर में जाकर सुबह देखेंगे तो कई भगत मिलेंगे, भगत तो शायद कोई मिल जाए लेकिन भीख मंगे बहुत होंगे, मेरा ये हो जाए, मेरा ए हो जाए, अथवा रोज जाता हूं तो मेरा जो व्यवहार का टट्टू है कम से कम ऐसा चलता रहे, इस वासना से लोग हाजिरी पूरने को जाते हैं। ज्ञानी को कोई वासना नहीं, उसलिए ज्ञानी किसी मंदिर की भी नाक रगड़ नहीं करता, अरे भगवान हे ठाकुर जी, नहीं, उसका तो अपना स्व का छंद मिल गया, उसका तो आत्मा ही, अपना परमात्मा ही मंदिर है, फिर भी वो मंदिर में जाता है तो जाता है, नहीं जाता है तो नहीं जाता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं, उसके लिए कोई पूनम और अमावस्या का भेद नहीं, उसके लिए कोई पुण्य और पाप की व्यवस्था व्याख्या नहीं है, वो तो स्व के छंद में मस्त है, उसको सारा जगत अपने विशाल चैतन्य घन परमात्मा का विलास मात्र भासता है। परमात्मा के दो रूप, एक शांत मधुर रसमय, दूसरा मधुर आह्लाद और रसमय। जैसे सागर की गहराई में पानी शांत और शीतल है और सागर के ऊपर तरंगे हैं, आह्लाद कर रहे हैं, तरंगों का आह्लाद करना भी अपने ढंग का अच्छा है, और वे तरंग कभी किनारों को छूते हैं, कभी किनारों को, पेड़ों को लेकर अपने में समेट लेते हैं, तो कभी सागर के
मोतियों को पकड़ के बाहर उछेल देते हैं, लेकिन है सारा का सारा क्रियाकलाप उस सागर की गहराई के आधार पर ही तरंगे सब कुछ करते हैं। ऐसे ही भगवान के शांत अव्यक्त ब्रह्म के आधार पर ये सव्यक्त ब्रह्म भी नाच रहा है, कभी पुष्पों में खिल रहा है, कोयलों में गुनगुना रहा है, पक्षियों में गीत गा रहा है, झरनों में उसके झनकार आ रहे हैं और हवाओं में उसकी खबरें आ रही है। ये भी वही परमात्मा की सत्ता है, लेकिन वो आह्लादनी शक्ति है और वह शांत शक्ति है। वो ब्रह्मवेता को शांत शक्ति का अनुभव हो जाता है तो बाहर भी उसके लिए संसार ब्रह्म रूप हो जाता है, आह्लादनी शक्ति से भरा हुआ अपना स्वरूप हो जाता है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, गुरुवाणी में लिखा है। फिर बाहर और भीतर एक तत्व का उसे बोध हो जाता है। अज्ञानी कुछ अच्छा मानता है, कुछ बुरा मानता है, कुछ अपना मानता है, कुछ पराया मानता है, लेकिन ज्ञानवान के लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, है तो सब अपना है और नहीं है तो कोई अपना नहीं, ऐसी व्यापक दृष्टि हो जाती है। योग वशिष्ठ में आया है, राम जी ज्ञानवान चाहे अरण्य में रहे चाहे बस्ती में रहे, बस्ती में भी उसे अरण्य है और अरण्य में भी बस्ती है। जंगल में रहता है तो मृग उसके बच्चे और परिवार हो जाते हैं, वृक्ष भी उसके परिवार हो जाते हैं, क्योंकि वृक्षों में भी वो अपने प्यारे को निहार लेता है, अपने स्वरूप को निहार लेता है। जंगल के पशु और पक्षी भी उसके अपने मित्र बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी का स्वभाव स्व में स्थित है, स्व का छंद मिल गया है।